हेलो डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का टाइटल है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो थोड़ा पहले यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दे कि अभी तक के मतलब चैप्टर 1, 2 एंड 3 मोस्टली 2 पे फोकस करते हैं। तो उसमें ऐसा बोला था स्टेटिक वर्ड था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टैटिक वर्ड्स था, उसमें जो चार्ज हम अज्यूम कर रहे थे ऑलवेज उसमें क्या होता है, स्टैटिक चार्ज होता है। ठीक है, अभी 4 चैप्टर में क्या करेंगे, उसी चार्ज को हमें मूव करवाना है। तो मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो मूविंग चार्जेस से क्या होता है, तो मूविंग चार्जेस से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और स्टैटिक चार्ज से क्या होता है, तो स्टैटिक चार्ज से अपना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। ठीक है, याद रखो स्टैटिक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और मूविंग चार्ज जब होता है तब उसमें से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। और दूसरी बात कि मूविंग चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट हो सकता है। क्लियर, तो उसके लिए कुछ साइंटिस्ट ने यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया है। उसमें सबसे फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है ओरस्टेड का। तो ओरस्टेड ने क्या किया था, तो सबसे फर्स्ट उसने यहाँ पे कंडक्टिंग वायर लिया। देखो यहाँ पे कंडक्टिंग वायर है। अभी कंडक्टिंग वायर को एक कंडक्टर के साथ बैटरी के साथ यहाँ पे ज्वाइन कर दिया, मतलब पूरा यहाँ पे लूप बना दिया। यहाँ पे की रखी, अभी यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखी। ठीक है, ये मैग्नेटिक नीडल है उसके पास में, जस्ट इसके पास में, और इतनी पास रखी कि उसमें जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है अपना, ठीक है, डिफ़ॉल्ट अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो उसमें अफेक्ट नहीं कर सके, क्योंकि इतना बहुत ही नज़दीक यहाँ पर रखा है इस नीडल को। ओके, अभी देखो ये की जो है यहाँ पर उसने पोज कर दी, मतलब इसको यहाँ पे क्लोज कर दिया, तो पूरा लूप यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे लूप कंप्लीट हुआ तो यहाँ से करंट फ्लो होने लगा। तो जैसे ही यहाँ पे करंट फ्लो हुआ, देखो ये कंडक्टिंग वायर है, इसमें से करंट जैसे ही वहाँ पे फ्लो हुआ तो ये पूरा लूप यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और जैसे ही इसमें से करंट फ्लो हुआ तो जो मैग्नेटिक नीडल थी उसका डिफ्लेक्शन हुआ। मान लो कि मैग्नेटिक नीडल पहले ऐसे थी, थोड़ा प्रैक्टिकल भी आपको बताते हैं यहाँ पे, थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन बताते हैं जिससे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो कि ये कंडक्टिंग वायर है, ठीक है, और ये मैग्नेटिक नीडल है। तो मैग्नेटिक नीडल पहले ऐसे थी जब हमने उस की को प्रेस नहीं किया था। जैसे आपने की को प्रेस किया तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ ऐसे हुआ, आया समझ में, यहाँ पर डायग्राम में बताया। और उसके बाद सेकंड टाइम क्या किया उसने कि यहाँ पे उसकी जो पोलैरिटीज थी बैटरी की वो चेंज कर दी, इंटरचेंज कर दिया, यहाँ पे नेगेटिव कर दिया, यहाँ पे पॉजिटिव, और इस की को यहाँ पे अगेन यहाँ पे प्रेस किया। ठीक है, तो फिर से क्लोज लूप बनी और इसमें से करंट इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हुआ। तो जो मैग्नेटिक नीडल थी वो इस तरह से थी, तो उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरह से हो गया, उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन हुआ। तो व्हाट डज इट मीन बाय, ये मतलब क्या हो रहा था इसमें, तो वेन एवर यू आर पासिंग सम करंट थ्रू दिस कंडक्टिंग वायर, सम ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज जनरेटेड अराउंड इट। देखो यहाँ पे उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जनरेट हो रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा था, उससे क्या हुआ, उस मैग्नेटिक नीडल का डिफ्लेक्शन हो रहा था। और जैसे उसने पोलैरिटी चेंज की तो उसमें से मैग्नेटिक नीडल की पोलैरिटी भी देखो उसकी डायरेक्शन भी पूरी रिवर्स हो गई, आया समझ में। तो इससे कंक्लूजन क्या हुआ कि मूविंग चार्जेस, तो देखो आपने जैसे ही यहाँ पे करंट पास किया तो करंट या तो मूविंग चार्जेस प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट से ये अपना कंक्लूजन हुआ। उसके बाद का क्वेश्चन है कि कुछ साइंटिस्ट जो थे उसने इसके ऊपर बहुत ही रिसर्च किया, उसके बाद उसको आगे ले गए, उसके ऊपर बहुत ही रिसर्च किया। उसमें से 1864 में जेम्स मैक्सवेल था, उसने रिसर्च किया इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक, मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों को कंबाइन करने के लिए उसने बहुत ही ट्राई किया। और उसमें लास्ट इसमें एक कंक्लूजन हुआ और बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ेंगे, लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव।
लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। चैप्टर नंबर 8 में भी पढ़ेंगे, यहाँ पे भी ध्यान रखना। ये किसने बताया था? जेम्स मैक्सवेल ने। उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट कौन कौन से आए? तो भाई रेडियो वेव्स हर्ट्ज नाम का जो साइंटिस्ट था उसने डिस्कवर किए, ठीक है। और रेडियो वेव्स का जो प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन था, उसका यूज़ जो था, ठीक है, वो किसने किया? तो अपने इंडियन साइंटिस्ट है JC, मतलब जगदीश चंद्र बोस एंड जी मार्कोनी, उसने इस रेडियो वेव का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किया है, समझ में। तो इसने इसको फाउंड किया, उसके बाद इसका यूज़ का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किसने किया? जगदीश चंद्र बोस ने। ओके, तो ये था इंट्रोडक्शन। अभी इंट्रोडक्शन में और एक थोड़ा पार्ट है, उसमें ऐसा दिया है कि एक एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग वायर करंट कैरिंग वायर ड्यू टू स्ट्रेट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर मतलब एक स्ट्रेट लॉन्ग ऐसा वायर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो वो हमें इस प्रैक्टिकल से जानना है। तो यहाँ पर उसका इम्प्लीमेंटेशन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है। तो देखो उसमें ये दो जो यहाँ पे फर्स्ट टू डायग्राम्स है उसमें आपको सही से ध्यान देने हैं। चलो यहाँ पे पहले तो ध्यान रखो, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट है डॉट, इसको डॉट बोला जाता है, और यहाँ पे जो है उसको बोला जाता है क्रॉस। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस नाउ बाय डूइंग अ प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हियर। डॉट का मीनिंग ये होता है कि प्लेन ऑफ पेपर जो होता है उससे परपेंडिकुलर, बट कौन सी डायरेक्शन में? कौन से डायरेक्शन में? आउटसाइड डायरेक्शन में, ठीक है। देखो कोई भी वायर को, मैं यहाँ पे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी बताता हूँ कि पहले आपको ऐसे प्लेन ऑफ पेपर लेना है, ठीक है, और प्लेन ऑफ पेपर को ऐसे वायर रखना है, तो परपेंडिकुलर वायर हो गया। ओके, अब ये परपेंडिकुलर वायर हो गया, उसमें आपको करंट का फ्लो जो करना है वो कहाँ पे? डॉट मतलब कहाँ पे करना है? आउटसाइड करना है। और इसमें ऑपोजिट क्रॉस मतलब उसमें जो फ्लो है, ठीक है, इस कंडक्टिंग वायर में जो फ्लो है वो इनसाइड करना है। एक बार आउटसाइड फ्लो करना है करंट का, एक बार इनसाइड करना है। तो इसमें से क्या होता है इस प्रैक्टिकल में हमें पूरा जानना है। तो ऐसी इम्प्लीमेंटेशन के बाद यहाँ पे उसके आसपास हमने क्या रखा है? यहाँ पे मैग्नेटिक नीडल्स, बहुत सारी मैग्नेटिक नीडल्स रखी है। उसमें जो है डार्क पार्ट है, ठीक है, उसको ये नॉर्थ पोल है, और ये वाला जो है ब्लैंक वो है साउथ पोल, ठीक है। और मैग्नेटिक नीडल में आप जानते हो दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। ओके, तो डॉट मतलब आप याद रखो, जब भी मैग्नेटिक फील्ड करंट ऐसे जब भी वर्ड्स आते हैं तो डॉट का मीनिंग होता है आउटसाइड, प्लेन ऑफ पेपर से आउटसाइड डायरेक्शन में, और क्रॉस का मीनिंग होता है इनसाइड, ठीक है। अभी करंट हमें कहाँ पे? उस कंडक्टिंग वायर में से आउटसाइड पार्ट में लेके आना है। ओके, तो इसमें मैंने एक लॉजिक बनाया है, वो लॉजिक याद रखो कि आई जो है वो आउटसाइड यहां पे, और यहां पे मैं लिख देता हूं इनसाइड, क्रॉस मतलब इनसाइड। ओके, चलो अभी मतलब एक कोरोना का टाइम चल रहा है, पैंडेमिक टाइम चल रहा है, ठीक है। तो इस पैंडेमिक टाइम में अगर हम घर पे बैठे और घर के बाहर निकल रहे हैं, तो पैंडेमिक टाइम में 6 to 10 hours अगर आप घर पे बैठे हो और सडनली आपको बाहर जाने होता है, तो आपको क्या दिखता है कि भाई मॉर्निंग टाइम में मोस्टली क्या होता है कि आपको SN मतलब सन बाहर की साइड दिखता है। सो आई मतलब मैं घर से अगर आउटसाइड मतलब बाहर गया तो मेरे को क्या दिखा? सन दिखा, देखो SN, ठीक है। मतलब करंट जब भी बाहर आता है, यहाँ पे जो वायर होता है उस वायर में से करंट जब भी बाहर की साइड आता है, आउटसाइड आता है, तब ऑलवेज उसमें क्या जनरेट होता है? S to N पोल जनरेट होते हैं। दूसरा, वैसे ही सेम आई मतलब मैं अगर इसी टाइम पे 8 to 10 hours अपने घर में ही रहता हूँ, तो NS मतलब मेरी नस, NS मतलब नस, नस फट जाती है, दैट मीन्स हम क्या हो जाते हैं? फर्स्ट रेट हो जाते हैं। ओके ना, तो ये लॉजिक आपको याद रखना है। आई गो आउटसाइड सो आई विल सी अ सन आउटसाइड, एंड इफ आई स्टेइंग माई होम इनसाइड देन जो हमारी नस है NS मतलब नस वो फट जाती है, फट जाती है, दैट मीन्स वी आर टू बोर्ड, ऐसा हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि घर पे अगर बहुत टाइम पे रहते हैं तो क्या होता है, बहुत हमें बोरिंग वो लगता है,
ठीक है ना, वो फ्रस्ट्रेशन हमें लगता है। तो इस तरह से दो लॉजिक आप याद रखोगे ना तो कभी मतलब ये आपको मिस नहीं होगा, ये दोनों आपको लास्ट तक आपकी लाइफ में पूरी लाइफ में याद रखना है। ओके, वो तो तीसरा जो यहाँ पे प्रैक्टिकल दिया है उसमें ऐसा दिया है कि वैसे सेम ये जो लिया था ना, ये आपने वायर, और वायर में से करंट कैसे पास करना है, आउटसाइड करंट पास किया, और यहाँ पे बहुत सारे आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं, आयरन के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, वो पार्टिकल्स इसके आजू बाजू में रखने, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप करंट पास करते हो ना, आउटसाइड अगर करंट पास करते हो तो ये जो पार्टिकल्स है वो कॉन्सेंट्रिक सर्कल में ऐसे रीअरेंज हो जाते हैं। ओके, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल में क्या हो जाते हैं, रीअरेंज सारे हो जाते हैं। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, ये सब कैसे हुआ? तो इसका मेन कंक्लूजन है, व्हेन द करंट इज पासिंग थ्रू द कंडक्टिंग वायर, इस कंडक्टिंग वायर में से जैसे आपने करंट पास किया तो मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड अराउंड इट, तो उसके अराउंड क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ, ये उसका मेन कंक्लूजन है। आया समझ में? ओके, तो नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे, एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स सोर्स एज वेल एज द मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स सोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स क्या था, तो आगे के चैप्टर में ही मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जनरेट होता है, जब क्या प्रेजेंट होता है, चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, जब भी चार्ज प्रेजेंट होता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है। व्हेन द क्यू इज स्टैटिक, क्यू ऑलवेज क्या होना चाहिए, स्टैटिक, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस अराउंड इट, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ इट, ई इज इक्वल टू के क्यू डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर कैप, वेयर आर कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो के की वैल्यू यहाँ पे 1/4πε0 भी लिख सकते हैं, हो गया ये, हो गया क्यू, यहाँ पे हो गया आर स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया आर कैप। आया समझ में? तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसके साथ इलेक्ट्रिक फोर्स के भी, इलेक्ट्रिक फोर्स का भी फॉर्मूला देख लेते हैं साथ में। इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला था एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू ई, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्यू से मल्टीप्लाई करो, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू और डिवाइड बाय आर स्क्वायर इंटू आर कैप हो जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फोर्स का भी इससे फॉर्मूला। सो व्हाट इज नेसेसरी फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, सो द नेसेसरी थिंग इज क्यू रिमेन्स स्टेटिक इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब क्यू की प्रेजेंस होनी चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। बट व्हाट अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्या होना चाहिए? तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड ड्यू टू मूविंग चार्जेस, जो मूविंग चार्जेस होते हैं उससे ही मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मैंने आपको बोला चैप्टर के इंट्रोडक्शन में ही कि मूविंग चार्जेस होते हैं वही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो दूसरी बात याद रखो, तो मूविंग चार्ज जो होते हैं ना वो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं, क्या जनरेट कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, सो व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड, इट इज अ मूविंग चार्ज विच प्रोड्यूस द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, चलो तो ये दो बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है। और लास्ट आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, डिराइव द फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विथ वेलोसिटी vd। अगर कोई चार्ज, मूविंग चार्ज की जैसे हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उसके ऊपर ही यहाँ पे थोड़ा फोकस करते हैं कि वेन एवर द मूविंग चार्ज इज फ्लोइंग थ्रू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये मान लो कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें कोई ये मूविंग चार्ज है, तो मूविंग चार्ज मतलब इसमें से फ्लो हो रहा है, ठीक है, तो उसमें कितना फोर्स अप्लाई होगा, उस चार्ज पे कितना फोर्स अप्लाई होगा, उसका फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो फर्स्ट बेटा बोला है यहाँ पे कि करंट इंड्यूस्ड फ्रॉम मूविंग चार्ज क्यू फ्रॉम यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, उसमें थर्ड चैप्टर में हमने बताया था फॉर्मूला आई इज इक्वल टू जे ए, कितना करंट फ्लो होता है, आई इज इक्वल टू जे ए, आई ए जा याद रखने की टेक्निक थी। उसके बाद जे की जगह पे एनी वी डी याद करो, जे इज इक्वल टू नेवडी, एनी वी डी याद रखवाया था, जिसमें वी डी मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी। ओके, नाउ चेंजिंग दिस फॉर्मूला, एन इज हियर, ई इज गिवन बाय क्यू हियर बिकॉज द चार्ज इज क्यू, तो एन ई को रिप्लेस करते हैं क्यू से,
वी डी को रिप्लेस करते हैं वी से और एरिया तो एज इट इज रहने देते हैं। नाउ मल्टीप्लाइंग ए डी एल ऑन बोथ साइड, देखो दोनों साइड पे हमने डी एल से मल्टीप्लाई किया। उसके बाद मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन आई डी एल, और आई डी एल को क्या बोलते हैं हम, स्मॉल करंट बोलते हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट बोलते हैं, स्मॉल करंट कैरिंग एलिमेंट आई डी एल इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना प्रोड्यूस होगा आई डी एल से, कितना, तो डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल क्रॉस, और हम मैग्नेटिक फील्ड से बोल रहे हैं इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का सिंबल होता है बी। और दूसरी बात यहाँ पे हम भी मेंशन कर देते हैं साथ में कि भाई मैग्नेटिक फील्ड है उसको किससे डिनोट किया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड इज डिनोटेड बाय बी। तो याद करो फर्स्ट चैप्टर जो था उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड था, सेकंड में भी इलेक्ट्रिक फील्ड था और थर्ड चैप्टर में भी उसका यूज़ हुआ था, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल ई से डिनोट करते थे, अभी मैग्नेटिक फील्ड है तो उसको बी से डिनोट किया जाएगा। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब कैपिटल ई और मैग्नेटिक फील्ड मतलब कैपिटल बी, आपको ये सिम्बॉल याद रखना है, ठीक है। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वैक्टर क्वान्टिटी, इट इज़ ए वैक्टर क्वान्टिटी, ओके। नाउ स्टार्टिंग फ्रॉम दिस डी एफ इज इक्वल टू आई डी एल और उसको बी मतलब मैग्नेटिक फील्ड से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। अभी आई डी एल की वैल्यू आप जानते हो, देखो यहाँ पे पुट कर दी हमने और क्रॉस बी है, उसमें से एन क्यू ए डी एल और यहाँ पे जो वी वेलोसिटी थी वेक्टर फॉर्म में, तो वी और बी को हमने यहाँ पे एक ग्रुप में रख दिया साथ में, चलो एन ए और डी एल, और क्यों अंदर इसलिए लिया क्योंकि अपने फोर्स जो फाइंड करना है वो कोई चार्ज पे फाइंड करना है, दैट मीन्स क्यों अगर अंदर यहाँ पे ले जाना पड़ेगा तो क्यों इनटू वी क्रॉस बी हो गया। अभी मैग्नेटिक फोर्स फाइंड करना है, टोटल फोर्स एफ एम मतलब मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो ए जो फोर्स है उसको किससे डिवाइड करेंगे, एन ए डी एल से डिवाइड कर दो, तो ए पूरा पार्ट नीचे हो जाएगा, दैट मीन्स क्यू इज इक्वल टू वी क्रॉस बी बन गया यहाँ पे। अभी क्यू वी क्रॉस बी, तो जो क्रॉस सिंबल होता है अगर वो क्रॉस सिंबल आपको निकालना है तो आप जानते हो कि जब डॉट निकालते थे तब कॉस थीटा लिखते थे और क्रॉस निकलता है तो साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा लिख दिया और उसके साथ एन कैप, और एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन ऑफ दिस मैग्नेटिक फोर्स, ओके। अभी आपने प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ा है कि भाई कोई भी फॉर्मूला होता है उसके पीछे अगर कॉस थीटा और साइन थीटा आता है तब हम तीन पॉसिबिलिटीज़ लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटीज़ में क्या लिया था हमने, भाई थीटा इज इक्वल टू ऑलवेज क्या होता है, मान लो कि जीरो है तो जीरो की कंडीशन कैसे लेंगे, तो ऑलवेज याद रखो जीरो मतलब दोनों के बीच का, दो क्वान्टिटी के बीच का एंगल जीरो कैसे होता है, देखो यहाँ पे वी और बी के बीच में क्रॉस है मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी किसकी, चार्ज की वेलोसिटी, ठीक है, और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक ही डायरेक्शन में है, देखो ऐसे है दोनों एक ही डायरेक्शन में मतलब पैरेलल हुए तो दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, जीरो। तो केस नंबर वन में आपको इसमें क्या रखना है, साइन जीरो, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है मतलब उसमें कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है। दूसरा केस में आप लिख सकते हो कि भाई वी और बी के बीच में एंगल होता है 90 का, देखो ये 90 का एंगल हो गया यहाँ पे, ठीक है, तो थीटा इज इक्वल टू 90 रखो उसमें तो आपको मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स मिलेगा क्यू वी बी जितना, तो दूसरा केस भी लिख सकते हो। और थर्ड जो केस है उसमें मान लो कि वी की वैल्यू इस साइड पे, वी की डायरेक्शन इस साइड पे है और बी की डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट साइड पे है, अभी दोनों के बीच में एंगल कितना हुआ 180 का, और 180 मतलब पाई हुआ, तो केस नंबर थ्री में थीटा कितना लेना है हमें, पाई लेना है, तो साइन पाई भी जीरो होता है, दैट मीन्स उसमें भी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता है, ठीक है। तो इसके बाद का क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो, अपने आप मतलब पूरा मैंने एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू जीरो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाई टू एंड थीटा इज इक्वल टू पाई, वैसे ये तीन केस लेके आप इजीली इसमें से मैग्नेटिक फील्ड का तीनों केस का फॉर्मूला फाइंड कर सकते हो, ओके। थैंक यू वेरी मच।